आपकी फोटोग्राफ जो आप सोशल मीडिया पे अपने फैंस के लिए डालते हैं, कमेंट्स वाला बड़ा मजेदार है। आइए जयदीप भाई, आप इधर आ जाइए, प्लीज प्लीज आप दिखाइए जरा। आयुष्मान ने ये फोटो डाला है, मॉर्निंग वॉन्ट टू राइट ए सॉन्ग कॉल्ड ओ कैंदी मेनू डैडी। हाँ हाँ, इस कैप्शन की एक स्टोरी डाली थी, बट दिस डिजर्व टू बी एज ए पोस्ट कैप्शन। बाय द वे, अभी नींद पूरी नहीं हुई, वेयर इज माई आई मास्क, काफी इंग्लिश लिखी भाई। आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। भाई कहना क्या चाहते हो? आगे, जैसे एक मोर मोरनी को रिझाने के लिए अपने पंख फैला लेता है, वैसे ही ये नर पड़ोसी मादा को रिझाने के लिए शरीर की मांसपेशियों का प्रदर्शन कर रहा है। भाई फोटो सेशन हो गया हो तो नीचे जाके कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट कर लो, 11 बजे के बाद पैसे लगते हैं। ये बात सच, ये पेरिस की फोटो है, हमेशा ब्रेकफास्ट में सो जाता था एक्चुअली। आगे दिखाइए। और अगर आपको अपनी नाभि गोल और गहरी करनी तो हमें संपर्क करें, हमारे पास प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित लेप है जो आपकी नाभि को सुंदर व आकर्षित बना देगा। डीएम करें। सर मुझे लगता है मेरी नाभि बहुत आकर्षित है, वो गोल गहरी सुरंग थोड़ी बनानी है वहां पे। आगे चलिए। शेरों के साथ नोरा, डर नहीं लगा आपको? नहीं, क्योंकि मैं तो शेर नहीं हूँ ना। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। शेर भी मरे पड़े हैं खुशी के मारे। वाह, खूबसूरती की ऐसी बला है साहब, शेर भी घुटनों पे आ गया। शेर के साथ पीछे से फोटो खिंचाने में यही फायदा है, भागने में आसानी होती है। आगे दिखाइए। 250 किलो का शेर। इस फोटो को देखकर मुझे भी दो शेर याद आ गए। किसने रिप्लाई किया? इरशाद इरशाद, ताजमहल आगरा से खिसक कर दिल्ली हो गया, नोरा को देख के शेर बिल्ली हो गया। सुभान अल्लाह। फिर रिप्लाई आया, भाई मैं अपना इरशाद वापिस ले रहा हूँ। आगे दिखाइए। शेर नोरा को इम्प्रेस करने के लिए हाई गर्मी वाला स्टेप कर रहे हैं। ये थॉटफुल था। और दिखाइए। जयदीप भाई ने फोड़ डाला, सारे पटाखे आज ही फोड़ दिए, ये लो सारे एक ही दिन में फोड़ दिए, अब क्या करें, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। जुए में हार कर निराश ना हो, आपकी कुंडली में चौथे और पांचवें घर में दोष है, निवारण के लिए डीएम करें। ये पटाखे से ज्यादा दिवाली के खर्चे का हिसाब लगा रहे हैं। जब आपने 4 मेहमानों के लिए 10 समोसे मंगाए हों और वो सारे खा जाएं। मरीन ड्राइव पर कपल्स को देखकर मेरी शक्ल भी ऐसी ही हो जाती है। और दिखाइए। बैक सीट में भी सीट बेल्ट पहना करो दोस्तों, वैसे काफी दिनों बाद अपना ये गाना याद आया, ओ हीरिये, नाइस पिक्चर। कमेंट्स देखते हैं। उसके लिए कार भी होनी चाहिए। किसी ने लिखा है, बीवी को एयरपोर्ट छोड़ के आते हुए मॉर्निंग फ्लाइट से पहले पेट साफ हो जाए तो मैं भी ऐसे ही खुश रहता हूँ। ये गहरा था, गहरा। ये पीछे वाला क्यों आपकी सेल्फी में टांग अड़ा रहा है? अच्छा, हो सकता है उन्हें अपनी शक्ल पे कॉन्फिडेंस ना हो। आई कैन रिलेट आगे बढ़ते हैं। न्यू डर्टी लिटिल सीक्रेट्स, माय फर्स्ट टाइम डायरेक्टिंग ए म्यूजिक वीडियो है। नोरा, कब किया डायरेक्ट वीडियो आपने? 5 months back. आप इसमें खुद ही मॉडल भी हो? नहीं, मैंने गाया और आपने गाया किया और डायरेक्ट किया। अरे वाह, क्या बात है। हाँ जी, कमेंट्स दिखाइए। नोरा, आप डायरेक्टर बन गई हो तो मैं आपसे डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ। प्लीज अपना नंबर दे दो। ये कौन है अभी? अगर असली माइक पकड़ा है तो एक बार दिनेश आई लव यू बोलिए। दिनेश, ये तूने भी नहीं लिखा? आगे बढ़ते हैं और दिखाइए।
जयदीप साहब ने फोटो डाला है करीना कपूर जी के साथ, सो मच डिवोशन इन लर्निंग हाउ टू पाउट फ्रॉम द बेस्ट एंड आई फेल्ड. अच्छा जी, कमेंट्स पढ़ते हैं. करीना जी का तो पाउट लग रहा है, आपका ऐसा लग रहा है जैसे खैनी दबा रखी. आगे बढ़ते हैं. भाई साहब, भाई मैं भी आपकी तरह पाउट तो नहीं बना सकता लेकिन स्प्राउट अच्छे बना लेता हूँ. आप भी ट्राई करें और दिखाइए आगे. So random. आयुष्मान ने फोटो डाला, हैप्पी बर्थडे श्रीराम सर, सो व्हेन आर वी शूटिंग नेक्स्ट. ठीक है, पिस्तौल पकड़ा हुआ उन्होंने. दिखाइए नीचे कमेंट्स. मेरा दोस्त भी जब पियानो बजाता है तो उससे भी बंदूक दिखा के बंद कराना पड़ता है. नखरे दिखाने पे डायरेक्टर हीरो को गोली देते हुए. लगता है आयुष्मान नहीं रहे थे इसलिए डायरेक्टर ने अपना यंत्र निकाला है. अच्छा, वर्ड प्ले भी किया है बंदे ने. आगे दिखाइए. बेबी कम क्लोजर. नो नो, नॉट यू, शी नॉट टॉकिंग टू यू. आप मेरी कुंडली में बैठी हो कोबरा बनके. जी आइए कमेंट्स देखते हैं. मेरा नाम बेबी है, मैं वलसाड़ तक पहुंच गया हूँ. थोड़ी देर और रुकिए, मैं आपके पास पहुंच रहा हूँ. अगर इनके बालों में मक्खी घुस जाए तो बाहर निकलने में उसकी उम्र निकल जाए. आपके बाल देख के याद आया मैंने गैस पे नूडल चढ़ाए हैं. और आगे दिखाइए. क्रिएटिव जनता है. Master. बस ये बजाता जाएगा. तुमने मेरे अंदर के कीड़े मार दिए. आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा, अगर 300 लोग एक साथ तुम पे हमला कर दें तो तुम्हें कैसे बचना है. कैसे? पाजी मैंने नहीं किया, माँ की कसम है. ठीक है. लेकिन सर, मुझे 300 लोग क्यों मारने आएंगे? क्या बात है? क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो. 600 लोग मारने आएंगे मुझे, तो मैं अकेला मार खाऊंगा, तू भी तो खाएगा ना. लेकिन तुम घबराओ मत. हाँ. तुम्हें कुछ भी कहने से पहले उन्हें तुम्हारी लाश पे से गुजरना होगा. अरे आप उल्टा बोल रहे हैं. हाँ सॉरी, मुझे कुछ करने के लिए उन्हें तुम्हारी लाश पे से गुजरना होगा. अरे अभी भी उल्टा बोल रहे हैं आप. तू जैसे मर्जी लगा ले, लाश तू ही बनेगा. चलो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा. 3 गिनने पे तुम मेरे पे आक्रमण करोगे. अच्छा, रेडी? खाना खा के नहीं मैं पूछ रहा, रेडी करा? बोल ना, रेडी आवाज आनी चाहिए. रेडी? हाँ रेडी. यार कितना रेडी सही है. अब रेडी है, अब रेडी है. मेरे 3 गिनने पे तुम उस पर आक्रमण करोगे. ठीक, रेडी? 3. ये क्या कर रहे हैं उस्ताद जी? वेरी गुड, हम तुम्हारे हमले से खुश हुए. इसी बात पे हम तुम्हें अपनी ये काली बेल्ट देते हैं.
इतनी जोर से मारा कुत्ता। क्या बात है भाई, ये बैठिए ना इधर। अरे एक्शन हीरो से पूरी कास्ट आई है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका स्वागत है। ये क्या है, जैकी चैन का मौजा सुन के आए आप? ये क्या बोल रहे हैं आप? कुछ भी मत बोला करिए साहब, ये ब्रूस ली का है। ये बने क्या हुए आप? मैं आयुष्मान जी जी, म्यूजिक के साथ साथ आजकल कराटे भी सिखाता हूँ। सेल्फ डिफेंस सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं शो करने जाता हूँ स्टेज पे तो सुरीले लोग मेरा गला दबा देते हैं। तो आप क्यों गाते हो बिसुरा फिर इतना? मैं नहीं गाता, वो नेचुरली आता है, गॉड गिफ्ट है यार। और आयुष्मान जी, मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा भाई, ऐसा लगा आपको देख के आप यही करने के लिए पैदा हुए हैं। और जैसे आपको देख के लगता है कि आप पैदा ही क्यों हैं। सेम, मेरी भी माँ मुझसे यही कहती है कि तू पैदा क्यों हुआ है। अरे तुमने पैदा किया, तुम्हें पता होगा। नोरा जी, नोरा नोरा नो नो, हाँ ये ठीक है। नोरा जी, आप बॉलीवुड से इतना प्यार करती हैं कि आप कनाडा से आप इंडिया आ गई। अगर आप और भी कहीं दूर होती तब भी क्या आप इंडिया आती? अगर आप ब्राजील होती तो भी आती, मोरक्को या फिर युगांडा, साउथ अफ्रीका, कहीं भी होती तो आती। आप सुनना क्या चाहते हैं? नहीं सुनना नहीं, मैं देख रहा हूँ मुझे कितनी कंट्रीज के नाम याद है। याद है भाई, याद है मुझे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.